हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। लास्ट की वीडियो में मैंने टोटल डिफरेंशिएशन के कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करने स्टार्ट किए हैं, तो आज भी हम टोटल डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है हमारा ये, काफ़ी डाउट आता है स्टूडेंट्स को उसको करने में, तो इसमें हमें यू फंक्शन गिवन है और ये रिलेशन हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो जो फंक्शन गिवन होता है सॉल्यूशन में हम उसको लेंगे। गिवन है आपको फंक्शन यू इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। ये फंक्शन हमें गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें लेट करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको हम आर लेट कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। और ये वाली जो टर्म है इसको हम एस लेट कर लेते हैं, एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी वाई स्क्वायर प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, देन तो ये यू फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा? यू फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ आर एंड एस में। इसको हम इक्वेशन वन का नाम देंगे, है ना, और इसको हम इक्वेशन टू का नाम देंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि यू जो है हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो यू का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, है ना। नाउ यू का करेंगे हम एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u हमारा देखा जाए तो आर एस दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो ट्रिक से अगर जाएं, डेल u अपॉन डेल x को हम इस तरीके से दो बार लिख लेंगे, क्योंकि u हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन बनता है, है ना। और फिर इसमें आर एस इन्वॉल्व करा देंगे, डेल r से मल्टीप्लाई, डेल r से डिवाइड, डेल s से मल्टीप्लाई, डेल s से डिवाइड। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। डेल u अपॉन डेल r हम नहीं निकाल पाएंगे, एज इट इज रखेंगे, लेकिन r का x के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और 2yz कांस्टेंट का काम करेगा जो कि जीरो हो जाएगा। फिर प्लस डेल u अपॉन डेल s को हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन s का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। s का x के रेस्पेक्ट में अगर करें तो y स्क्वायर का जीरो कांस्टेंट है, फिर 2z कांस्टेंट रहेगा और x का हो जाएगा 1। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी डेल u अपॉन डेल x की। सेम तरीके से हम डेल यू अपॉन डेल वाई को निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई को दो बार लिख लेंगे इसी तरीके से ट्रिक बनाने के लिए फॉर्मूले की, और उसमें हम आर और एस को इन्वॉल्व करा देंगे, डेल आर से मल्टीप्लाई, डेल आर से डिवाइड, डेल एस से मल्टीप्लाई, डेल एस से डिवाइड, सारी वैल्यू पुट करेंगे। यू का आर के रेस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, लेकिन आर का वाई के रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। इक्वेशन वन में अगर देखें तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे आर का, आर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और वाई के रेस्पेक्ट में आपको मिलेगा टू जेड कांस्टेंट, वाई का वन, तो टू जेड आपको मिलता है। प्लस यू का हम एस के रेस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, लेकिन एस का वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। एस का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर का टू वाई और टू जेड एक्स का जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट है। ऐसे ही हम यू का जेड के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। यू का अगर जेड के रेस्पेक्ट में करें तो फॉर्मूला बनाएंगे, पहले डेल यू अपॉन डेल जेड को दो बार हमें इस तरीके से लिख देना है, फिर दो वेरिएबल है इसलिए दो बार लिखा है, तीन वेरिएबल होते तीन बार लिखते, तो डेल आर से मल्टीप्लाई, डेल आर से डिवाइड, डेल एस से मल्टीप्लाई, डेल एस से डिवाइड, और इसकी भी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। डेल यू अपॉन डेल आर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आर का जेड के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जीरो, टू वाई कॉन्स्टेंट, जेड का वन, डेल यू अपॉन डेल एस हमारा एज इट इज रहेगा, और एस का करेंगे हम जेड के रेस्पेक्ट में। एस का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो वाई स्क्वायर का जीरो, और ये आपको टू एक्स मिलेगा। तो इस तरीके से हमने पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड बाय द फॉर्मूले निकाले, और फॉर्मूले की मैंने आपको ट्रिक बता दी बनाने की, क्योंकि फॉर्मूले ही मेन होते हैं, बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, उसको मैंने ट्रिक से अच्छे से बता रखा है। अब आधा काम तो करते हैं फॉर्मूले, आधा काम करते हैं जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमें ये कहता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स की, डेल यू अपॉन डेल वाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड की, और डेल यू अपॉन डेल जेड के साथ मल्टीप्लाई करनी है जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई की, और फिर हमें इन तीनों को ऐड कर देना है। तो अब हमारा यही काम है इसमें, है ना। आप चाहे तो इसको ऐसा कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर डाल दो 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। तो जो हमें प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। नाउ हमें प्रूफ करना है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड मल्टीप्लाई बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको जीरो प्रूफ करना है, तो सारी वैल्यू पहले पुट करते हैं, जीरो तो अपने आप आएगा वो। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की, और डेल यू अपॉन डेल एक्स से डेल यू अपॉन डेल आर इंटू टू एक्स, और डेल यू अपॉन डेल एस इंटू टू जेड, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड की मल्टीप्लाई करनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की, और इसकी वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल आर इंटू टू जेड, और डेल यू अपॉन डेल एस इंटू टू वाई। फिर हमें जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई करनी है डेल यू अपॉन डेल जेड के साथ, तो वो है हमारा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू टू वाई, और प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू टू एक्स। तो ये हमें अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जीरो आना है, मतलब सब कुछ कटना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको मिलेगा वाई स्क्वायर की, जब आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस टू वाई स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल एस। फिर माइनस जेड एक्स की करेंगे तो माइनस टू जेड एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर, और माइनस टू एक्स जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एस। तो हमने एक टर्म को सॉल्व किया, सेम तरीके से दूसरे टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर टू जेड डेल यू अपॉन डेल आर, और प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डेल यू अपॉन डेल एस, माइनस टू वाई जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर, और माइनस टू वाई स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल एस। थर्ड टर्म को भी सेम सॉल्व कर लेंगे, टू जेड स्क्वायर वाई डेल यू अपॉन डेल आर प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एस, माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर, और माइनस टू वाई एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एस। अब देख लीजिए आप, इसमें सारी टर्म्स कट जाएगी, टू एक्स वाई स्क्वायर से टू एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर, तो टू एक्स वाई स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल आर कट जाएगा, टू वाई स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल एस, टू वाई स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल एस कट जाएगा। ऐसे ही हमारा टू एक्स स्क्वायर जेड डेल यू अपॉन डेल आर, टू एक्स स्क्वायर वाई डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है। और ये हमारा जो दोनों टर्म्स है ये कट जाएगी इनसे, तो सब कुछ कट के आपको जीरो मिलेगा, और यही रिलेशन आपको प्रूफ करना। तो हमने पहले वैल्यूज़ पुट की, और वैल्यूज़ पुट करने पर जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, और राइट हैंड साइड जीरो हमने प्रूफ की।